अगले कॉलर हैं मुंबई से हरि गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या है कि हमको तीन सवाल पूछना है। सर पूछिए जी। क्या है कि हमारा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कैंसर का गांठ हो गया था। तो क्या है हमारा किडनी के अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर टीवी मत सुनिए, सवाल कर लीजिए। ओ क्या है, तीन सवाल है हमारा। किडनी के अंदर हमारे किडनी के अंदर हमारा गांठ हो गया था कैंसर का, वो काट के आधा किडनी निकाल दिए हैं, और हमको क्या है गैस बहुत बनता है और हवा पास होता तो गंदा पास आता, दिन भर होते रहता है, और हमारे वाइफ को जो है क्या है पेशाब के अंदर जो है रुक रुक के होता है, या जोर लगाएंगे तो पिंडी में दर्द होता है। और हमारा उम्र है 75 साल, उनका वो है 70 साल का। ठीक है। अच्छा एक किडनी तो है ना आपके पास। हाँ जी। एक किडनी निकाले है ना। डेढ़ की आधा किडनी निकाल दिए है। आधा किडनी। अच्छा और तीसरा सवाल। हाँ दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो गैस बहुत बनता है और हवा दिन भर है तो उसमें गंदा बास आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए एक आपको चीज बता रहा हूँ, वो आपके भी और आपके दूसरे मरीज के भी, और आपके तीनों सवालों का जवाब है। देखिए ये आप जानते हैं कि धनिया जो आपके किचन में है, धनिया ये लेना है 600 ग्राम धनिया का पाउडर। याद रखें धनिया का पाउडर 600 ग्राम लेना है, और इसमें मिलाना है नमक जैतून। नमक जैतून ये भी नकली आ गया है, आप देखिए समझ लें कि जो भी मैं बोलूं वो असली मिलना चाहिए आपको, ये भी नकली आ गया है। इतनी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ वो सब नकली डालने लगे और लोग ले के खा रहे हैं, लेकिन वो असली लेना ज़रूरी है। असली लेंगे तो आप दोनों फायदे में रह सकते हैं जिंदगी भर। तो धनिया तो नकली आता नहीं है, धनिया 600 ग्राम लें, इसका पाउडर बनाएं, और जैतून का नमक। अच्छा ये नमक जो है ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ठीक है। ये आप 100 ग्राम लें और 600 ग्राम धनिया में 100 ग्राम या 150 ग्राम इसमें मिला दें, ज़्यादा 150 ग्राम या 100 ग्राम इसको खूब मिक्स कर लें, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम आपकी जो दूसरी मरीज़ा हैं वो खाएं, और आपको एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाना है। एक चम्मच मतलब एक टी स्पून, चाय का जो चम्मच कहलाता है ना छोटा वाला, वो खाएं, मतलब 3-4 ग्राम आप दो बार खाएं, उनको एक बार दें, तो आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है जी।